ब्रिटेन में वो यूज कर रहे हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम अमेरिका में क्या है अमेरिका में है अमेरिका में है जुडिशियल सुप्रीमेसी अमेरिका में जुडिशियल सुप्रीम है मगर यूके में क्या है यूके में है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी अमेरिका इज रिपब्लिक दे आर

शियल जुडिशियल सुप्रीमेसी, ब्रिटेन इज मोना पार्लियामेंट्री सिस्टमेंट्री सिस्टम एंड सुप्रीमेसी, ये कंपैरिजन किसने किया होगा ये कंपैरिजन किसने किया होगा ये कंपैरिजन किया है सर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने दिस कंपेरिजन वॉज डन बाई द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर असेंबली

डोन्ट सपोर्ट वी डोंट सपोर्ट मोनाकी इसे हटाओ मोनाकी तो हम ऑलरेडी झेल चुके थे ना अंग्रेज मोनाकी तो बनकर बैठ गए थे हमारे ऊपर हटाओ इनको पार्लियामेंट्री सिस्टम सॉरी पार्लियामेंट्री सुप्रीमसी जे पार्लियामेंट लॉ इज फाइनल नो बडी कैन टर्न इन टाउन हटाओ इसको ये नहीं चाहिए पार्लियामेंट सुप्रीम होना चाहिए जुडिशरी आंसर में हुप्रीम पार्लियामेंट और जुडिशरी हु शुड भी सुप्रीम पार्लियामेंट और जुडिशरी ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल अश्वनी उन्मेद अंकिता समर्थ मानसी काफी लोग बोथ लिख रहे हैं मगर आंसर है नन नन इंडिया के लिए इज द राइट आंसर भाई उनके लिए ठीक होगा बट फॉर इंडिया आंसर इज नन नीदर पार्लियामेंट शुड बी सुप्रीम नॉट जुडिशरी शुड बी सुप्रीम बोथ शुड डू द रेस्पेक्टिव जॉब फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है इंडिया में हाँ जी अमनदीप मैंने नन बोला बहुत बढ़िया अमनदीप तो अब देखो ये कर क्या रहे हैं उन्होंने बोला ये हटाओ ये हटाओ इसको ये बेकार है ये मुनार की नीची है इसको भी हटाओ इसको भी हटाओ ठीक है ना इसको भी हटाओ इसको भी हटाओ ये सब हटाओ यहां से तो अब उन्होंने क्या करा दे हैव आइडेंटिफाइड द स्ट्रेंथ ऑफ एवरी एरिया एंड दे इंडिया ये यहां से पार्लियामेंट्री सिस्टम उठाया यहां से रिपब्लिक उठाया और डाल दिया कहां पर इंडिया में हैव ब्रॉट इन टू इंडिया एंड दैट्स हाउ अलग अलग आस्पेक्ट को कंबाइन करके इंडिया में डाल दिया एंड दिस इज योर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट यू सी वेन यू डेवलप्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेन यू डेवलप्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यू कुड नॉट है जब आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप किया आप डेवलप कर ही नहीं सकते थे अगर आपने वो नहीं किया होता तो क्या नहीं किया होता तो जवाब दीजिए अगर आपने वो नहीं किया होता तो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को इतना बढ़िया बना ही नहीं पाते रिसर्च रिसर्च एनालिसिस सही बात है मगर उस रिसर्च और एनालिसिस में एक मेजर अप्रोच क्या थी एक मेजर अप्रोच थी द अप्रोच ऑफ कंपेयरिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने कंपेरिजन नहीं किया होता तो आप समझ ही नहीं पाते अमेरिका अमेरिका हैविंग जुडिशियल सुप्रीमेसी

या अमेरिका की जुडिशियल सुप्रीमेसी बेटर है जवाब आया दोनों बेकार है जी अच्छा क्योंकि दोनों में प्रॉब्लम आती है हमने देख लिया कंपैरिजन करके तो भाई क्या करें सर एक काम करो एक ऐसा अप्रोच डेवलप करो जहां बैलेंस बने सुप्रीम कोई भी ना हो चेक एंड बैलेंस तो हमने पूछा ये कहीं और होता है मैंने कहा सर बहुत सारी कंट्रीज के अंदर ऐसा ही होता है इनफैक्ट जो मेजर सक्सेसफुल डेमोक्रेसीज हैं वहां एक इफेक्टिव चेक एंड बैलेंस चाहिए ही होता है ठीक है ना फ्रांस फॉर एग्जाम्पल

खराब चीज है छोड़ दो लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस अब देखो यही एक छोटी सी बात बता दूं आपको